गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। किसान पाठशाला भारत ही नहीं भारत के बाहर भी रन हो रहा है। हमें इंडोनेशिया जकार्ता का एक स्टेशन है लेंगपंग, वहाँ के कुछ ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं और बनाना फार्मिंग को लेकर यहाँ पर काफ़ी अग्रेसिवता है और ज़मीनें बहुत अच्छी है। तो एक बनाना फार्म थोड़ा सा डैमेज हो रहा है, उसी के विज़िट के लिए आए थे। उसका एक पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन हमें समझना था, तो उसे विज़िट कर रहे हैं, उसे समझेंगे, फिर क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं वो देखते हैं। आइए। मिट्टी के टेक्सचर काफ़ी अच्छे हैं, जस्ट लाइक आंध्र प्रदेश। मिट्टी का जो टेक्सचर है वो आंध्र प्रदेश टाइप है, और रो पद्धति ही किया है। ड्रिप लाइन लगभग 22 mm दिख रहा है मुझे, बहुत कम हाइट है, और हमारी टीम यहाँ पर है। हाय मोहम्मद। नमस्ते सर। नमस्ते एंजल। मोहम्मद हम कहाँ पर हैं, थोड़ा एक बार इंट्रोडक्शन दीजिए ना। यस जस्ट वन सेकंड, लेट मी जस्ट स्विच दिस ऑन एंड गिव इट टू यू। जी जी, हम लोग अभी इंडोनेशिया में है। ओके। सुमात्रा सलातान बोल के जगह है। सुमात्रा? जी, सुमात्रा सलातान। आइलैंड का नाम है सुमात्रा सलातान। ओके। इसमें लबोन रातू, इस जगह का नाम, विलेज का नाम है लबोन रातू। यहाँ पर अभी हम है। ओके एंजल, अगर देखें ना, हम यहाँ का सॉइल का टेक्सचर में देख पा रहा हूँ, ये चुनखड़ जो है, ये सारे के सारे पॉजिटिव चुनखड़ है। यही खेत में भी स्ट्रक्चर होगा, ये जस्ट लाइक आंध्र प्रदेश का जो ज़मीन है ना, वहाँ पर ऐसा ही मिलेगा। और हिंदुस्तान में अगर आप समझोगे कि सबसे बेस्ट बनाना कहाँ होता है, तो आंध्रा में होता है। इसमें भी मुझे आपके फील्ड पर वही दिख रहा है। क्या डिस्टेंस रखा है आपने ये? 7 feet by 2 feet maximum. 2 feet से ज़्यादा है? 1, 2, 3 चार, 7 by 4, 7 by 3, 7 by 4, 3, 4. ओके, ये एक वीक पॉइंट है यहाँ पर, अगर देखा जाए तो ड्रिप इरिगेशन इस एफसी ड्रिप माइक्रोट्यूब इरिगेशन सिस्टम, जो काफ़ी पुराना सिस्टम है। ज़मीन की जो पानी सोखने की क्षमता है ना, वो तो अच्छी है कि पोरस है, पानी दिया तो अंदर लीच होगा। ठीक है, हाथ से कितना हो रहा है वो भी समझना था। अभी थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें समझने लायक है कि हमारा फर्टिलाइज़र वहाँ पर है, पानी का माइक्रोट्यूब यहाँ पर है, और प्लांट की रूट उस तरफ भी बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी हम अगर इस फील्ड में सेकंड हार्वेस्टिंग लेंगे, थर्ड हार्वेस्टिंग लेंगे, तो प्लांट को कहाँ ग्रो करेंगे? प्लांट में अगर हम देखें तो ब्लैक सिगट होगा, और ये वीड कंट्रोल के लिए आपने दवाई डाली होगी, ये उसका निशान है, ये वीड कंट्रोल के लिए जो डाला गया था। और प्लांट की ग्रोथ को अगर हम समझें तो जस्ट लाइक बंची टॉप वायरस जैसा दिख रहा है, दिस इज झेंडू प्लांट। प्लांट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें कि बनाना प्लांट में ग्रो होना चाहिए, ये पहला पत्ती है, उसके बाद 5 inch ऊपर आना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरी पत्ती 5 inch ऊपर आना चाहिए। दिस हैज गॉट क्लम्प्ड विद ईच अदर, एक्चुअली एकदम स्टक हो गया, रुक गया है वो, और इसी का असर आपके बंचेस पे भी हो रहा है। ये जब रुका है ना यहाँ पर, तो यही असर आपके बंच पर हो रहा है कि बंच भी उसी तरफ से रुक कर टेढ़ा हो रहा है, उसको भी डिस्टेंस नहीं है, नहीं डिस्टेंस है। अभी जिस टाइप से हमने ग्राफ मैनेज किया है, उस टाइप से अब ये जो सेकंड बेबी है, ये जगह नहीं है इसको ग्रो होने की। इसका थर्ड तो आप ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसका भी सेकंड आएगा,
और ये खुद अपने आप में जगह कवर कर रहा है। तो ये अगर स्टैम्प हम देखें तो एक फीट इसने जगह रोकी है, ठीक है, एक फीट जगह रोक लिया, फिर एक फीट रोक लिया, ऑलरेडी आपके पास जगह कंजेस्टेड है। माइक्रो सर्जरी में ग्राफ पूरा उल्टा लिया है हमने, मतलब प्लांट टू प्लांट जो आपने लिया है वो रो टू रो लेना था, रो टू रो जो लिया है वो प्लांट टू प्लांट लेना था, अपोजिट हो गया। क्योंकि हम बनाना को अगर अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो एक बार प्लांटेशन करके लॉन्ग टाइम तक उसने रिटर्न देना चाहिए, हमने निवेश किया है। अभी आपकी फील्ड देखकर मुझे लग रहा है हमने खर्चा किया है, खर्चे का रिटर्न आता नहीं, निवेश करते हैं उसका रिटर्न आता है। तो एक तो आपने मशागत बहुत अच्छी करी, मेहनत अच्छी करी कि ये थोड़ा सा बेड पद्धति करके बनाया है, बट जब हम बेड बनाते हैं और इतनी डिस्टेंस रखते हैं तो फिर दो तरफ ड्रिप चाहिए, हमारा ड्रिप सिंगल साइट है, ठीक है, अगर बेड बनाया है तो, क्योंकि बेड में जैसे ही पानी आएगा वो लीच होगा, अब लीच होगा तो उस तरफ ड्राइनेस है पूरा। आइए, और यहाँ पर शायद दो दो बच्चे रख रहे हैं हम अभी, दे हैव नॉट स्टार्टेड द रटून मैनेजमेंट, शुरू नहीं किया है उन्होंने, अभी वैसे ही छोड़ दिया है उन्होंने। और बेबी की संख्या भी कम है, बहुत कम संख्या है बच्चों की, यहाँ पर अभी गुच्छा आना था जबकि एक और दो। काउंट ऑफ द बेबीज आर वेरी लेस, देयर शुड बी मोर नंबर ऑफ बेबीज हियर बट देयर आर ओनली टू ऑफ देम इन दिस। ये किसी काम का नहीं है, अगर बेबी रखना है तो दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, जिसका बचपने में पत्ता खुल गया वो फ्रूट अच्छा देगा नहीं, और जिसका लॉन्ग पतला है इतनी हाइट के बाद पत्ता खुल रहा है वो अच्छा देगा। अभी यहाँ सामने दिखेगा आपको, राइट साइड इज राइट, लेफ्ट साइड इज रॉन्ग, दिस इज राइट, यस, this will survive, this you have to keep for the next healthy generation. Fruit F1 इसका पानी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वाटर मैनेजमेंट कैलकुलेशन कैसे करते हैं? मैं आपको पूरा रिपोर्ट देता हूं। ओके, जस्ट वन प्लांट से दे रहे हैं, पानी प्रबंधन कैसा कर रहे हैं, वाटर मैनेजमेंट के बाद एक दिन, मतलब हमारा 10 हेक्टर है यहाँ, okay. पे 5 वहाँ पे 5, okay. तो 5 इधर आज हो गया तो कल उधर होगा, okay. तो इधर 20, एक दिन पे कम से कम 2 घंटा एक साइड पे जाता है, एक ब्लॉक पे जाता है, okay. एक ब्लॉक पे तकरीबन हम लोग जिसको 20 लीटर मैक्सिमम देने का कोशिश करते हैं। कैलकुलेशन ये निकल के आ रहा है कि 1 प्लांट 20 लीटर इज आवर कैलकुलेशन पर डे, पर 2 डेज अल्टरनेट डेज, तो प्रतिदिन का हमें मिल रहा है 10 लीटर पानी, जो कि बहुत कम है बनाना के लिए। इसका एक साहू जी सिंपल कैलकुलेशन है, बट रेन जब होता है तो कम करना पड़ेगा, तो तभी तो करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। बनाना का कैलकुलेशन है एक कि कितने पत्ते की उम्र है, इस प्लांट की अगर हम बात करें तो इसकी अगर उम्र हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 पत्ते दिख रहे हैं, बट जो नहीं दिख रहे हैं वो भी गिनती में आएंगे। ओके, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 पत्ते तो दिख रहे हैं बट जो फट गए होंगे इस लाइक 25 लगभग। यह प्लांट 28 से 30 पत्तों का है, 28 to 30 लीफ फ्रॉम द लीव्स, मतलब 30 लीव दिस प्लांट एज, तो इसको 30 लीटर पानी चाहिए 24 घंटे में, पर लीव 1 लीटर ऑफ वाटर, एक पत्ता 1 लीटर पानी एक दिन का, ये जनरल कैलकुलेशन है। अभी इसमें आपका बारिश आ गया तो वो पानी आपका जीरो हो जाएगा। आज अगर बारिश आ गया तो आज का पानी हमारा जीरो हो गया, लेकिन कल वापस धूप है और हमने राइस बेड बना रखा है, तो जो कल बारिश आई थी वो तो लीच हो गया, हल्की नमी रहेगी बट जो ताज़ा पानी चाहिए वो फिर हमें इनबिल्ड करना है। ओके,
और अगर बारिश इतनी हुई कि यहाँ पर डबरियाँ बनी हुई है तो एक दिन छोड़ करके हमें फिर देना पड़ेगा ही। So that's why we are thinking, ऐसा गली बना के पानी इसमें हमेशा रखे। नहीं, वो भी ज्यादा हो जाएगा। बनाना को ताजा पानी चाहिए, ज्यादा पानी नहीं चाहिए। अगर गली बनाकर यहाँ रहा हमेशा तो वो बासी पानी बनेगा, कीचड़, फंगस, तो निमेटोड स्टार्ट होगा, डिसीज आएगी, आपका डंपिंग आएगा, विल्टिंग आएगा। तो कीचड़ यहाँ रख भी नहीं सकते, लीच ही करना पड़ेगा और पर डे ताजा पानी देना पड़ेगा। और जहाँ तक समझ है कि एक पत्ते को एक लीटर पानी एक दिन का, बट टेम्परेचर यहाँ का अगर हम बात करें तो 35 के ऊपर नहीं जाता होगा, 35 के ऊपर, और मिनिमम मिनिमम तो 23-25। मतलब हम यह समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको 25-35 लीटर पानी पर डे पर प्लांट देना ही चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम जब फ्रूट पर है, अभी आपकी फील्ड मुझे दिख रही है कि मैक्सिमम फील्ड फ्रूट पर है, दिस टाइप फ्रूट इनबिल्ट है, फल है यहाँ पर, तो फल है मतलब कि आपको जब फल आ गया मतलब इस पौधे की 50 पत्ते की उम्र हो गई है। ओके, तो आपको 50 लीटर वाटर पर डे पर प्लांट इस टाइप से इरिगेशन चाहिए, क्योंकि आपने राइस बेड बना रखा है तो जितना दोगे वो लीच ही होगा। अभी यहाँ पर ड्रिप चल रहा है तो पानी इधर आ रहा है ना कि इधर जा रहा है। अब अगर अगर प्लांट कुछ है कुरेदने के लिए, अभी इस प्लांट को ग्रो होने के लिए रूट तो चौतरफा गई है, बट हमारा जो माइक्रो ट्यूब है वो एक ही तरफ डिस्चार्ज कर रहा है। माइक्रो ट्यूब भी निकल गया शायद यहाँ से ना। हाँ, निकल गया। उसमें भी होल करके रखते हैं, कभी इधर से कभी उस तरफ से। अभी वो जब ये एक अनुमानित गया, ये यहाँ से पंक्चर उड़ रहा है, ये जो है ना, हाँ, ये पंक्चर है यहाँ पर, ये पंक्चर उड़ रहा है और ये इस तरफ पूरा देकर आपके पाँव तक गया, लेकिन इसकी रूट तो चौतरफा है ना। अब यहाँ पर रूट है, अब यहाँ पर इतना कड़क है, दिस इज बनाना रूट, ये काम की नहीं है ना, डैमेज हो गई। जो यहाँ से न्यूट्रिशन अपटेक करके प्लांट को देती और इसका आउटपुट आता, दिस इज बनाना रूट, डैमेज, पूरी की पूरी चली गई है। इसकी वजह से इनके शकर की भी हाइट हेल्थ नहीं है। यह शकर ग्रो होके अच्छे से आ सकता था, यहाँ पर शकर ग्रो होके अच्छे से आ सकता था। शकर की संख्या भी नहीं है, अगर हम पूरे फील्ड में देखें तो शकर बहुत कम है। नहीं, पहले बहुत ज्यादा थी, हम लोगों ने बहुत निकाल दी। That's not the right शकर no. आपने पंच करके निकाला या काटा? पंच करके निकाला। हाँ, पंचिंग करके। पंचिंग का टाइमिंग एक होता है शकर निकालने का। हाँ, उसी टाइम पे निकाला। 90 दिन प्लांटेशन के बाद, 90 डेज के बाद आप पंच करके निकाल दो, उसके बाद आप निकालेंगे तो पूरा रूट डैमेज करके बाहर आएगा। इसका रूट एक बार जब बड़ा होने लगा तो ऐसे उंगली की माफिक होता है रूट, हाई न्यूट्रिशन अपटेक, हाई वाटर अपटेक प्लांट बनाना। तो जब हम अगर लेट निकाल रहे हैं पंच करके तो सारी रूट्स टूट रही है, और जो रूट शुरुआती चरण में आने वाली रहती है वो बाद में आएगी नहीं। इससे बड़ा कोई फ्लावर है क्या, इससे ज़्यादा बाहर निकला हुआ जो अभी निकला हो? यस यस यस, कम। यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट, ओके, नॉर्थ साउथ। और यहाँ के बंचेस ज्यादा देखा जाए तो वेस्ट तरफ ही आउटपुट आया है मैक्सिमम, मतलब यहाँ सूर्य उस तरह से घूमता होगा। कि हम इस बंच को भी देखें तो यह ओपन जगह पे नहीं आया है, यह क्लोज जगह पे आया है, सामने ही आया है, मतलब ये डिस्टेंस आपको ज़्यादा चाहिए था। हम जिस कंट्री में हैं, जिस जियो लोकेशन पे हैं, वहाँ सूर्य का ऑरा कैसे घूम रहा है, सीधा चल रहा है या ज़्यादा किस दिशा से दे रहा है। हमारा फ्लावर जो है उसी दिशा में आएगा, सूर्य की रोशनी जहाँ से ज़्यादा मिलेगी। अब इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका
फल भी है और बच्चा भी है और फल भी है, तो ओवरलैपिंग हो रहा है ये, ठीक है, ऊपर एक दूसरे के ऊपर हो रहा है। दिस बी आई बर्ड इंजेक्शन, बर्ड इंजेक्शन, ओके। सो फ्रूट केयर एक प्रोग्राम होता है जिसमें बी आई तो आपने किया है, लेकिन इसके फिंगर की संख्या को भी काउंट करना पड़ेगा। हमारे पास पौधे में पत्तों की संख्या कितनी है उस हिसाब से, अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6 लीफ, एंड ये तो डैमेज होने वाला है, ये अभी भरेगा जब तक ये डैमेज होगा, ठीक है। तो 6 पत्ते हैं हमारे मेन पौधे पर, जिसमें से ये जाने वाला है, तो 5 ही पत्ते हैं, ठीक है। शाहुल जी, मोहम्मद जी, हमें एक पंजे को अच्छा ग्रो करना है, तो जिस दिन हार्वेस्टिंग होगी, जिस दिन माल कटेगा, उस दिन जितने हैंड हैं इसमें उतने पत्ते चाहिए हरे। आज ही इसमें कम पत्ते हैं, 6 पत्ते बहुत नहीं है, आज इसमें होना थे 22 पत्ते, 22 लीफ होनी थी आज, जब फ्लावरिंग आ रही है। तो क्या होगा कि हम इसके हैंड अब यहाँ गिने, अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौवे पंजे में आपका बारीक केला है, मतलब इसकी आवश्यकता तो है ही नहीं। अगर फ्रूट केयर की हम बात करें तो इसकी आवश्यकता नहीं है जिसमें स्मॉल फिंगर आया है। बट एक टेक्नोलॉजी, एक गाइडलाइंस कि जिसमें बारीक केला है वो निकालना है। अब उसके पैरेलल हमारे पास पत्ते की संख्या कितनी, आज फल आया है, आज इसमें 6 पत्ते हैं, 6 लीव, तो यह हार्वेस्टिंग आएगा 90 दिन के बाद, 90-95 डेज में हार्वेस्टिंग आएगी, तो ये उस समय तक 3 महीने तक इसका पत्ता वापस जाएगा और फल को भरेगा। तो जिस दिन हार्वेस्टिंग आएगी उस दिन यहाँ पर 3 पत्ते मिलेंगे, 2 पत्ते मिलेंगे, बिल्कुल, मतलब इसकी लेंथ और क्वालिटी चाहिए तो इस बंच में हमें 3 पंजे से ज्यादा नहीं चाहिए, तो लेंथ बन जाएगी। हम अगर इसको इसी अवस्था में छोड़ेंगे तो लेंथ छोटी रहेगी, शॉर्ट बनाना बनेगा, जो हमें एक बॉक्स में हमें 4 हैंड 5 हैंड डालना है, तो उसका कैलकुलेशन है 1 लीफ 1 हैंड हार्वेस्टिंग के टाइम, तो 90 दिन पहले उसके डबल चाहिए। अगर हम 8 हाथ रख रहे हैं इसमें, 8 पंजे रख रहे हैं, तो 16 पत्ते चाहिए हमें जिस दिन फ्लावर आया, तो कम होते होते जब हार्वेस्टिंग आएगी 8 रहेगा तो उसकी लेंथ प्रॉपर आएगी। अभी यहाँ पर अगर इसको आप मार्किंग करेंगे, इसको आप देखिएगा कि इसकी लेंथ कैसे बढ़ती है, वन टू थ्री फोर, दिस इज पार्ट ऑफ फ्रूट केयर। मार्क दिस प्लांट नाउ एंड वॉच इसकी लेंथ और आपके अदर बंचेस की लेंथ आप मैच करोगे, तो यह जब 90 दिन में आएगा तो लगभग इसकी लेंथ 10 इंच से ऊपर आएगी, 10 से 12 इंच, इसकी आएगी 8 से 10 इंच, इसकी आएगी 7 से 8 इंच और इसकी आएगी 7 इंच। बट डिसीज नहीं रही तो, क्योंकि पत्ते जा रहे हैं, ऊपर के पत्ते का भी डिसीज के कारण डैमेज पन आ रहा है और हम पत्ते काट करके उसको डैमेज कर रहे हैं। अभी सिगोटा का तो थोड़ा थोड़ा तो डिलीफिंग करना करते ही, नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं।